इस लेक्चर में हम बाइनरी बाइनरी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। आपको कुछ इसमें से सिंपल रूल है, जैसे कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो ऑब्वियसली जीरो रहता है। वन वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। वन मल्टीप्लाइड बाई वन आपका ये वन रहेगा। तो ये इन रूल्स के साथ हम बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है वन वन जीरो वन को, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको वन 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 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। आप करके देख सकते हैं, जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन क्या आएगा, जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाई ये तो जीरो जीरो, करेक्ट। यहाँ पे आप इसको एक जैसे आप डेसिमल में करते थे वैसे ही करते हैं, बस लास्ट में एडिशन के वक्त आपको बाइनरी नंबर्स का यूज है, अदरवाइज ये तो वैसे ही जैसे आप डेसिमल में कर रहे हैं उस तरीके से हो सकता है। वन मल्टीप्लाइड बाई वन, ठीक है। वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो आपका जीरो आ गया। वन मल्टीप्लाइड बाई वन वन, वन मल्टीप्लाइड बाई वन। थर्ड के लिए आपको यहाँ पे दो क्रॉस हो जाता है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आपका क्या हो गया वन जीरो वन वन। तो आपको एडिशन करते हुए थोड़ा सा तो ध्यान रखना है, ये जीरो का एडिशन हो गया यहाँ पे, ये जीरो आ गया। जीरो और वन का समेशन है वन, जीरो और वन का ये वन हो गया, वन आ गया आपका। वन प्लस वन ये क्या होता है, टू नहीं होता, वन प्लस वन जीरो, कैरी चला जाता है वन, ठीक है। फिर वन प्लस वन जीरो आपका कैरी चला गया वन, ओके। तो ये हो गया आपका जो मल्टीप्लीकेशन है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप डेसिमल में वापस से कन्वर्ट करके देख लो ये क्या होगा। ये टू रेस टू दी पावर जीरो, वन टू फोर एट, ये क्या होगा एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व एक थर्टीन, ये नंबर आपका क्या है थर्टीन है। ये क्या है टू और फोर, फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स है नंबर आपका। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 78, 78 होता है। तो फिर यहाँ पे अब आप देखो ये क्या होगा, वन टू फोर एट सिक्सटीन चौसठ। आप ये देख लो, ये वन वाला 64 आप ऐड कर दो, प्लस एट ऐड कर दो, प्लस फोर प्लस टू, 64 और एट कितना होता है 72, 72 फोर 76 78, ठीक है। इसलिए आपका ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। इसी तरह से अब आपको डिवीजन में देखना है। डिवीजन थोड़ा सा टफ होता है, फिर भी आप इसमें सिंपल से रूल है। वन को डिवाइड करेंगे जीरो से तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो जीरो डिवाइडेड बाई वन को आप करोगे तो ये तो आपका जीरो आ जाता है, ठीक है। वन डिवाइडेड बाई वन ये क्या होता है आपका वन आ जाता है, करेक्ट है। तो इनके यूज से हम डिवीजन करके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान इसमें देना पड़ेगा कैसे करते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ जाते हैं, समझते हैं। ये आपको दिया गया एग्जांपल, वन जीरो वन वन जीरो वन, ठीक है। और आपको वन वन जीरो से इसको करना है, डिवाइड करना है। देखिए पहले आप थ्री डिजिट को देखोगे, ये थ्री डिजिट को अगर आप लोगे तो ये थ्री डिजिट आपकी छोटी है ना, वन इसके फर्स्ट प्लेस पे तो एमएसबी वन, अभी सेकंड पे भी वन आ गया, तो ये छोटी डिजिट होगी। तो आपको एक और डिजिट लेना पड़ेगा, ये पहली बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आप इसको वन टाइम्स अगर चलते हैं, इससे ज्यादा तो आप चल सकते, टू टाइम्स चल ही नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी डिवीजन है, तो जीरो या तो वन होगा, ये आपके लिए इसमें इजी है। फिर आपने वन टाइम्स किया तो यहाँ पे क्या आ गया वन वन जीरो आ गया, ठीक है। वन वन जीरो आ गया। अब आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये क्या आएगा वन में से जीरो गया वन आया, वन में से वन गया जीरो हो जाएगा। फिर जीरो में से वन के लिए यहाँ से इसको कैरी लेगा तो इसके पास टू हो जाएगा, टू में से वन चला गया वन आ गया, ये तो खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पर। अब आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट डिजिट जो होती है ये वाली आपने इसको यहाँ पे कैरी कर लिया, ओके। अब आपको नेक्स्ट देखना है 1010, ये डिजिट जो है इस वाले नंबर से बड़ी है, तो फिर से वन टाइम्स चल लीजिए। फिर आपने वन टाइम्स चल लिया, फिर यहाँ पे आ गया वन वन जीरो,
जीरो, ठीक है। अब आप फिर सबट्रैक्ट कर लो, वन वन जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, फिर यहाँ वन जीरो में से वन चला गया तो आपको क्या आ गया, यहाँ से कैरी लिया टू हो गया, इसके पास टू में से वन चला गया तो वन आ गया, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया। फिर आपने लास्ट वाली डिजिट वन को यहाँ से कैरी ओवर कर लिया, करेक्ट। फिर से आप यहाँ से वन टाइम्स चलोगे, फिर आपने वन टाइम्स चले और यहाँ पे आपने लिख लिया वन वन जीरो, ठीक है। नाउ वन में से जीरो गया तो आपको क्या आ गया, यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। फिर ये जीरो में से तो वन जाने के लिए यहाँ से इसको कैरी एक बोरो लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से बोरो लगेगा तो यहाँ पे जीरो में टू ऐड हो जाएगा, टू प्लस वन, टू में से वन चला गया तो आपका क्या आ गया, वन आ गया। अब यहाँ से ये गया मतलब यहाँ से इस पे बोरो आया होगा, फिर इससे बोरो, जब इससे इसको बोरो आएगा तो यहाँ पे टू हो जाता, लेकिन टू से फिर ये इसमें चला गया एक बोरो, तो यहाँ पे वन बच गया, तो वन में से वन गया यहाँ पे जीरो चला गया, और ये तो आपका खत्म हो ही गया क्योंकि बोरो में चला, तो आपका यहाँ पे जीरो वन वन बचा, ठीक है। अब आपके पास डिजिट खत्म हो गई तो आप डेसिमल लगा सकते हो, डेसिमल लगा के आप यहाँ पे जीरो को ले लिए। अब आप देखो कि वन टाइम चलोगे तो ये डेसिमल के बाद यहाँ पे आपने वन टाइम चला, डेसिमल के बाद आपने यहाँ पे इसको वन वन टाइम्स चल लिया, वन टाइम्स चला आपने, तो फिर ये आपका आ गया वन वन, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दे रही। अब यहाँ पे आप जो है वो तो टर्मिनेट कर दोगे, तो ये जो है आपका ये ये डिवीजन जो है आपका लास्ट में आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसी सेम वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।